अभी हम बनाएंगे लाजवाब मटन बिरयानी। इसके लिए 1 किलो ताजा गोश्त मैंने ले लिया है और ये करी कट करवाया है मैंने। 1 किलो मटन में 2 टेबलस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है। तो ये 2 चम्मच हमने ले लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट ये वाली। ये 6 से 7 मैंने हरी मिर्च एकदम कूट ली थी और हरी मिर्च आप स्वाद के अकॉर्डिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालें। ये 3 चम्मच ये मेरी होममेड बिरयानी मसाला, बिरयानी मसाला मैंने अपने घर पे बनाया हुआ है तो 3 टेबलस्पून ले लेंगे। एक टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून ये धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून ये कसूरी मेथी, 1 हाफ टीस्पून ले लिया है हमने नमक और स्वाद अनुसार नमक को आप ऐड करें। 7 से 8 पुदीना इसको हाथों से ही चॉप कर देंगे हल्का सा, थोड़ा सा ताजा धनिया, तीन से चार मैंने ये प्याज को फ्राई कर लिया था, ये फ्राइड प्याज वजन में लगभग 250 ग्राम के करीब। और 1 किलो मटन में ये 1/2 किलो ताजा फेटा हुआ दही, 7 चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और एक स्पेशल इंग्रेडिएंट्स जैसे आप बोल सकते हैं 2 से 2.5 टेबलस्पून ये मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल 2 टेबलस्पून के आसपास, 1/2 ऊपर और ये कुछ मिंट लीव्स पुदीना, थोड़ा सा धनिया वापस। फ्रेंड्स अगर आपके पास टाइम है 5-6 घंटा इसको मैरिनेशन के लिए रख दी, अदरवाइज मिनिमम इसको 3 घंटा मैरिनेशन के लिए छोड़ना है। तेल और फॉइल की मदद से उसको कवर करके मैं इसको 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दूंगा। मैरिनेशन होता है तब तक अब हम बिरयानी का राइस तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 3 बड़ी इलायची, 6-7 मैंने हरी इलायची ली है, 12 से 15 काली मिर्च और 8 से 10 मैंने लौंग ले लिया है और 2 इंच के करीब हमने ले लिया है सिनेमोन स्टिक, 3 स्टार अनाइस और ये स्टोन फ्लावर जो इम्पोर्टेंट चीज है, और लगभग 3 से 4 फूल हमने स्टोन फ्लावर का ले लिया है जिसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और टेस्ट भी अच्छा इन्हेंस होगा। 2 टीस्पून ले लिया है हमने जीरा, 2-3 तेज पत्ता, 1 जावित्री मेस, 2 लीटर से थोड़ा सा कम मैंने पानी लिया था तो इसमें लगभग 4 टेबलस्पून में लूंगा नमक। अब फिर भी नमक एक बार टेस्ट करें और फिर इसमें ऐड करें।
नमक कम पड़ गया तो आपका राइस अच्छा नहीं बनेगा और बिरयानी का टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। और ये मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। पानी को अच्छे से हम उबलने देंगे। फ्रेश कोरिएंडर्स, ऊपर से ताजा धनिया और ये मिंट लीव्स फुदीनो, इसको एक उबाल आने तक हमें बॉईल करना है। अच्छा खासा उबाल आने के बाद हमने ये जो गरम मसाला है वो निकाल लेना है ताकि खाने के वक्त ये मुंह में नहीं आए। और यहाँ मैंने हाफ के जी राइस, लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस, इसको 20-25 मिनट पहले भिगा दिया था और ये सही वक्त है राइस डालने का। जब पानी में उबाल आए, एक बॉईल अच्छा सा आ जाए, तभी राइस को डालना चाहिए, जिससे राइस में एक जर्क मिलेगा, राइस की लेंथ अच्छी खासी निकलेगी और अच्छे खासे ये फूलेंगे। उबाल आने के बाद ये राइस इसके अंदर, राइस को हमें 80% तक कुक करना है और इस राइस को हम 80-90% बॉईल कर लेंगे। ये 8-10 मिनट में राइस हमारे ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा डन हो चुके हैं। 90% तक राइस लगभग 90% तक कुक हो चुके हैं। यहाँ का गैस हम तुरंत बंद कर देंगे, राइस नीचे उतार लेंगे, सारा पानी हम निकाल देंगे। राइस बनने के बाद ये 2-2.5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल गरम करना है। राइस बनाने के बाद एक प्रेशर कुकर में मैंने 3-4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया है। कुकिंग ऑयल आप थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं। तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 टीस्पून क्यूमिन सीड जीरा, अच्छे से फ्राई होने देंगे जीरा को। और ये हमारा मेरीनेट किया हुआ मटन, जिसको मैंने 4 घंटा मेरीनेट के लिए रखा था। जीरा अच्छे से फटने लगे तो ये मटन हमारा अंदर मटन से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मटन को अच्छे से मिक्स करने के बाद और फ्लेम को हाई करके बिना इसकी उंगली किए हिलाए डुलाए 7-8 मिनट तक हम इसको कुक होने देंगे। फ्रेंड्स, 4-5 मिनट के बाद इसमें हमने पहले 250 ग्राम प्याज तला हुआ डाला था और वापस ये 250 ग्राम तला हुआ प्याज रिश्ता। कुल मिला के यहाँ हमने 1/2 kg 1 किलो मटन पे 1/2 किलो बिरिस्ता डाला है। आप चाहे तो टेस्ट के हिसाब से थोड़ा कम भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 7-8 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे मटन को लगातार चलाते हुए हमने जो है कुक किया है तो मटन हमारा थोड़ा सा टेंडर हो चुका है। अब 1 ग्लास से थोड़ा सा कम पानी, जिसमें हमने मैरिनेशन किया था वो मसाले में पानी डाल के हमने ले लिया है। और अब
उसको ढक्कन लगा के 5-6 सीटी आने तक, या तो मटन बिल्कुल अच्छे से कुक हो जाए 95% तक कुक हो जाए तब तक हमें इसको पकाना है। और ढक्कन लगाने के बाद 5-6 सीटी आने तक इसको अच्छे से हमें पकने देना है। और लगभग 7 विसल के बाद, 7 सीटी के बाद इसका प्रेशर हमने निकाल दिया है पूरा। मटन हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है, तो ये बिरयानी का मसाला कंप्लीट तैयार हो चुका है। तो अब सबसे पहले कुछ मटन पीस हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो ये आधा मसाला हमने निकाल लिया है। यहाँ पे हमने आधा मसाला जो है निकाल लिया है। और अब एक बड़ी सी कढ़ाई में ये रेस्ट ऑफ मसाला डाल देंगे। और अब हम राइस की एक लेयर लगा देंगे। और ये 4 से 5 ड्रॉप्स रोज वाटर, 4 से 5 ड्रॉप ये केवड़ा वाटर अगर आपके पास अवेलेबल है तो डालिए, एक अच्छा सा फ्लेवर फ्लेवर के लिए। और ये तला हुआ प्याज, ताजा पुदीना, मिंट लीव्स, थोड़ा सा धनिया। फ्रेंड्स ये है केसर मिल्क। मैंने 1 कप दूध को गर्म करके उसमें मैंने 1/2 चम्मच केसर डाला था, 3-4 टेबलस्पून हमने मलाई डाल के इसको गर्म कर लिया था, उबालते हुए दूध में डाल दिया था। तो ये अब इसमें जाएगा। और इसका बनाने का तरीका है, उबलते हुए दूध में 2 चम्मच मलाई डालनी है, फ्रेश क्रीम डालनी है और 1/2 चम्मच केसर डाल के इसको हिला के रख देना है और इसको इस तरह से अप्लाई कर लेना है। और ये रेस्ट ऑफ मसाला, थोड़ा सा राइस वापस, और थोड़ा सा राइस मैंने अलग निकाल के इसमें जर्दे का कलर मिक्स कर लिया था, ये भी एक लेयर लगा देंगे इसकी भी। Thank you.
फ्राइड अनियन, ताजा धनिया, थोड़ा सा फ्रेश पुदीनो, ताजा पुदीना, केसर मिल्क, थोड़ा सा केवड़ा वाटर, थोड़ा सा रोज वाटर, ज्यादा डालेंगे तो कड़वा बिरयानी हमारी कड़वी हो जाएगी। और सिल्वर फॉइल से इसको कवर कर देंगे। अब गैस पे एक तवा रख देंगे और उसके ऊपर हमने रख दिया है, और इसके ऊपर ये हंडी, और हंडी पे ये लगा दिया हमने ढक्कन, और फ्लेम को मीडियम टू हाई करके 20 मिनट तक इसको एक अच्छा सा हम दम लगाएंगे। यहाँ पे बिरयानी को 20 मिनट हो चुका है दम लगाते हुए। ये बर्तन हटा लेंगे और इसको नीचे उतार के ओपन करेंगे, सिल्वर फॉइल को हटा लेंगे। वाओ, एकदम गर्मा गर्म, एकदम खुशबूदार, लजीज मटन दम बिरयानी बन के तैयार है दोस्तों। इस बिरयानी को इस तरह से क्रॉस में निकालें, ये देखिए एक एक दाना अलग, तो ये हमारी मटन बिरयानी फ्रेंड्स बनके तैयार है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो, आपके दिल को टच किया हो, तो एक लाइक और शेयर करना न भूलें।